का हमारा वीडियो है रिफ्लेक्टिंग बॉडीज के बारे में, है ना, रिफ्लेक्टिंग बॉडीज। तो वो बॉडी जो ये रिफ्लेक्शन करती है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, उनको अपन रिफ्लेक्टिंग बॉडीज कहते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लास 10th और क्लास 12th में ये चैप्टर दिया हुआ है रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का। तो उसके मैंने कई चैन ऑफ वीडियो, सीरीज ऑफ वीडियोज बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर के इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अभी अपन बात करते हैं, जो आज बात करेंगे वो है रिफ्लेक्टिंग बॉडीज का। रिफ्लेक्टिंग बॉडीज वो बॉडीज या वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको अपन रिफ्लेक्टिंग बॉडीज कहते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, सीधे लैंग्वेज में समझेंगे, ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट, उनको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग बॉडीज। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग बॉडीज, ठीक है। अब भैया रिफ्लेक्टिंग बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, तो वो सारी ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट टकरा करके आती है और वो ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई देते हैं, सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग बॉडीज कहलाते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे कि भैया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिफ्लेक्टिंग बॉडी है ना, इस रिफ्लेक्टिंग बॉडी को मैं लिख देता हूँ एम एम डैश, ठीक है। इस रिफ्लेक्टिंग बॉडी का नाम दे देता हूँ मैं एम एम डैश। ये रे ऑफ लाइट जो आ रही थी, ये रे ऑफ लाइट इस बॉडी में गिरती है। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट क्योंकि आ रही है इसलिए अपन इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंसिडेंट रे। और एक रे ऑफ लाइट टकरा करके वापस जा रही है, जो रे ऑफ लाइट टकरा करके वापस जा रही है इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। जो रे ऑफ लाइट टकरा करके वापस जा रही है इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक रे ऑफ लाइट आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एक रे ऑफ लाइट जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को टकरा रही है या सरफेस को टकरा रही है, उसको मान लें मैं ओ से लिख देता हूँ, और उस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस पॉइंट पर आके मिलती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आकर के मिलती है, और ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए अपन इसे नॉर्मल बोलेंगे। जो भी चीज सरफेस के परपेंडिकुलर हो ना, जो भी लाइन इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से लिखते हैं। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे जितने डिग्री का एंगल नॉर्मल से बनाती है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको अपन लिखते हैं आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ध्यान से सुनना, क्या कि वेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस, जब लाइट किसी भी सरफेस पर गिरती है तो लाइट का कुछ पार्ट या पूरी लाइट जिस प्लेन से आई थी उसी प्लेन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको अपन आम बोलचाल की भाषा में लिखें अगर तो बाउंसिंग ऑफ ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, किसी सरफेस से लाइट का बाउंस ऑफ होना, लाइट ऐसे आ रही है, टकरा रही है, जा रही है, किसी सरफेस से लाइट का बाउंस ऑफ होना, लाइट का टकरा करके वापस आना, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा करके वापस आना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हाँ, एक बात तेरे को बता दूंगा, वो ये है कि यार ये वाली जो डेफिनेशन मैंने तेरे को रिफ्लेक्शन की बताई, ये डेफिनेशन काम चलाओ डेफिनेशन, काम चलाओ मतलब ठीक है, समझ में आ जाता है, ये काम चलाओ डेफिनेशन। ओरिजिनल डेफिनेशन जो है रिफ्लेक्शन की, वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मैंने अपने पहले वीडियो में अपलोड कर रखी है, आप लिंक से उसको देख सकते हैं, लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए, नॉलेज मिले, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग बॉडीज के बारे में। तो डेफिनेशन है इसका, बाउंसिंग ऑफ ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वो सारी बॉडी जो रिफ्लेक्शन करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, आती हुई लाइट को फेंक देती हैं दूसरी जगह,
जगह उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग बॉडीज। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग बॉडीज की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग बॉडीज बेसिकली जो हैं ऐसी बॉडीज होती हैं जो या तो टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी या फिर कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग बॉडीज में अपन नाम लेते हैं किसका, अपन नाम लेते हैं एक चीज का जिसको अपन बोलते हैं मिरर। मिरर, सुबह सुबह उठ करके नहा करके तैयार होकर के अपन मिरर के सामने खड़े होकर के अपने बाल ऐसे ऐसे सेट करते हैं ना, वो वाला मिरर। ठीक है ना, ठीक है। अब ये मिरर एक्चुअली क्या करता है, तो मिरर मेक्स द इमेज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, लाइट के रिफ्लेक्शन से मिरर इमेज बना देता है। ठीक है ना, तो अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर आगे वाले कंटेंट में मिरर के बारे में। ओके, आगे वाले कंटेंट में अपन चर्चा करेंगे मिरर के बारे में। इसके अलावा रिलेटेड वीडियो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें दे रखा है कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा रखे हैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल में, वो भी आप उसमें देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। आप अगर चैनल को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पूरे चैनल की प्ले लिस्ट भी दिख जाएगी। ओके, यहाँ पर अपन बात करते हैं मिरर की। तो मिरर क्या होता है यार, मिरर होता है कि एक स्मूथ बॉडी होती है, एक स्मूथ बॉडी जिसको एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बॉडी पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। आइडियल रिफ्लेक्टिंग बॉडी क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिंग बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाली सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, उसको अपन बोलते हैं आइडियल रिफ्लेक्टिंग बॉडी। और ऐसी रिफ्लेक्टिंग बॉडी इस दुनिया में भी कोई है नहीं, है ना। मिरर भी जो है वो अपने ऊपर गिरने वाली 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, पूरी पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यार इंजीनियरिंग में अपन ने इतनी एफिशिएंसी अभी हासिल नहीं की है कि अपन किसी भी सरफेस को 100% स्मूथ बना दें। ठीक है ना, ओके, 100% स्मूथ जिस दिन अपन ने बना दिया उस दिन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और ऐसा मिरर अपन अपने हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है कि अगर सरफेस 100% स्मूथ हो गई तो फ्रिक्शन हो जाएगा जीरो, और उस टाइप में अपन मिरर को हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मिरर को अपन हाथ से पकड़ लेते हैं यानी कि सीधी सी बात है मिरर 100% स्मूथ नहीं है, और 100% स्मूथ नहीं है तो 100% लाइट को भी नहीं रिफ्लेक्ट करता है, हाँ 99% करता है। ओके, तो यार क्या है कि भाई द स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बॉडी पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड एंड रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, है ना, ये बॉडी है। ठीक है, ये इसकी फ्रंट सरफेस है जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जहाँ से एक्चुअली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फ्रंट सरफेस है जिसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, ओके, ये इसकी बैक सरफेस है जिसको अपन बोलते हैं, ये फ्रंट है, बैक सरफेस है जिसको अपन बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। याद रखना मिरर में ज़्यादातर पॉलिश जो है वो जिंक की और सिल्वर की जाती है, और एल्यूमिनियम की भी कभी कभी अपन करते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है ना, ओके, तो मिरर क्या होता है, मिरर ये होता है कि एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बॉडी है जो एक साइड से पॉलिश्ड है और अपने ऊपर गिरने वाली लगभग सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे अपन रिफ्लेक्टिंग बॉडी कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग बॉडी का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अपन पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है ना, ओके, ZnO लगा देते हैं लगभग उसके पीछे, या फिर अपन उसको पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग कर देते हैं।
ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे वाली होती है जहाँ से अपने को अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर होते हैं बेसिकली दो टाइप के, बेसिक बेसिक मिरर होते हैं दो टाइप। एक तो प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, प्लेन सीधी होगी। अपन अपने घरों में जब लगाते हैं वो प्लेन मिरर होता है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधी होती है, प्लेन होती है। तो प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगी या सीधी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरे टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं जो अपने को आता है, जिसको अपन बोलते हैं कर्व्ड मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स, है ना, कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, कर्व्ड मिरर्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है, टेढ़ी होती है, ओके, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, कर्व्ड होती है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अच्छा, अब बात करें तो कर्व्ड मिरर्स दो टाइप के आ जाते हैं भैया, कर्व्ड मिरर्स जो है वो दो टाइप के आ जाते हैं। कौन कौन से दो टाइप के आ जाते हैं कर्व्ड मिरर, ध्यान से देखना। कर्व्ड मिरर्स एक तो कर्व्ड इनवर्ड हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो। दो केसेस बनते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, या इसको अपन बोलते हैं भाई क्या, कॉनकेव, ठीक है। दूसरे में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है, दूसरे में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, इसको अपन बोलते हैं कॉनवेक्स, ठीक है। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनवेक्स मिरर। अपन को जो अभी पढ़ना है फिलहाल वो है प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। अपने को जो अभी पढ़ना है वो है किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर जो होता है ये, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है ना। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगी सबसे पहली बात, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो चार पॉइंट्स लिखते जाने हैं अपने को, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है ना। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है प्लेन मिरर की, ठीक है। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर हमेशा इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब तुम पूछोगे यार सर वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, वो इमेज जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं दे सकते, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, उसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। ऐसी इमेज जैसे कि मैं कांच के सामने खड़ा हो जाऊं तो कांच में जो मेरी इमेज बन रही है उसको दीवार पे बनता हुआ मैं नहीं देख सकूंगा, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरा इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज का मतलब यह होता है कि द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। या बेसिकली तुम ये बोल सकते हो कि अगर ये F है तो F की इमेज में ऐसा दिखेगा, मतलब लेफ्ट का क्या दिखता है राइट दिखता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट दिखेगा और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में क्या दिखेगा लेफ्ट दिखेगा,
ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट दिखेगा और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। तो किस टाइप की इमेज जो तुम्हारी बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। वो कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड। और इमेज जो है वो स्क्रीन पर ही नहीं जा सकती, इसलिए अपन इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो कैसी इमेज बनाता है कि प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है। इसके आगे की अगर अपन बात कर लें प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो जनरली सेम इन साइज बनती है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ठीक है ना, सेम इन साइज इमेज बनती है। ओके, इमेज इज सेम इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, सेम इन साइज। मान ले A4 एप्पल इतना बड़ा है तो प्लेन मिरर की इमेज भी A4 एप्पल की उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है ना, सेम इन साइज बनेगी। ओके, इमेज कैसी बनती है, सेम इन साइज बनती है, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सेम इन साइज होती है, इक्वल होती है साइज में, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं कि भैया अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता है तो इमेज भी मिरर के पास आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज में प्रेम होता है परस्पर यहाँ पर, है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज में यहाँ पर प्रेम होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कम नियरर टू मिरर, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आएगा तो इमेज ऑल्सो कम नियरर टू मिरर, इमेज भी मिरर के पास आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट दूर जाता है, गो फार, इमेज ऑल्सो गो फार, इमेज भी क्या होती है, दूर जाती है। ऑब्जेक्ट पास आता है, इमेज पास आती है, ऑब्जेक्ट दूर जाता है, इमेज दूर जाती है, दोनों में परस्पर प्रेम होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। अब ध्यान रखने की बात ये है कि भैया जितनी तेज ऑब्जेक्ट जाएगा उससे डबल तेज इमेज आएगी, जितनी तेज ऑब्जेक्ट जाएगा उससे डबल तेज इमेज आएगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, अगर वेलोसिटी स्पीड वी है तो इमेज की वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी, 2v होगी, 2v होगी, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज, एक बात ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज इज डबल ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन सेम टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज इज डबल ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन सेम टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट अगर मान ले एक टाइम टी पे एस डिस्टेंस कवर करता है तो इमेज उसी टाइम टी पे 2s डिस्टेंस कवर करता है। इमेज उसी टाइम टी पर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 2s डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है ना। तो ये प्लेन मिरर की कुछ खासियत है। अब बात करते हैं अपन आगे कि भाई मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मुझे मेरी पूरी की पूरी फोटो बनवानी है, पूरी की पूरी इमेज चाहिए प्लेन मिरर पे, तो कम से कम कितनी साइज का प्लेन मिरर मुझे लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, साइज ऑफ मिरर बराबर साइज ऑफ मिरर बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से आधे साइज का आप मिरर ले लो तो भी आपका काम चल जाएगा। साइज ऑफ मिरर प्लेन मिरर बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2। तो ये प्लेन मिरर की कुछ केसेस हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने को याद रखना है, एक तो मेन ये डिस्टेंस वाला याद रखना पड़ता है, एक साइज ऑफ मिरर वाला मेनली याद रखना पड़ता है। ओके, तो ये तुम्हारे प्लेन मिरर की कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो गई। अब अगर अपन आगे की तरफ बात करें प्लेन मिरर पे, आगे की तरफ, तो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, सेम इन साइज बनती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज पास आएगी, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटीज आएगा इमेज टू वी वेलोसिटीज आएगी,
ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस कवर करेगा, इमेज उतने टाइम में 2s डिस्टेंस कवर करेगी, और मिरर की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की हमेशा क्या रखनी पड़ती है, आधी, और उसमें ही ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बन जाती है। कल अपन जो इसके बारे में नेक्स्ट सॉरी इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे प्लेन मिरर की, वो करेंगे मिरर, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होता है। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। दूसरी चीज जो अपने को इसमें मेनली ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेन, है ना, ओके, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेन, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेन, ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन इसमें बात करेंगे आगे इस प्लेन मिरर के बारे में, तो अपन प्रूव करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो अलग अलग प्लेन में होते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होती है। तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए चैनल।